फास्ट 10 का ट्रेलर देखा मैंने और ट्रेलर देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर बात करते हैं ट्रेलर की, तो आपने देखा होगा अपने एक्वामैन भैया भी इस मूवी में है जो इस मूवी के मेन विलन होंगे। अब ये विलन क्यों है और अपने डीजल भैया और उनकी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, ये पता करने के लिए आपको फास्ट 5 जो इस फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म थी वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी उसी फिल्म से कनेक्टेड है और जेसन मोमोआ अरे अपने एक्वामैन भैया का कैरेक्टर उस 5वीं फिल्म के बाद 10वीं फिल्म में बदला लेने आ रहा है डॉम की फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तो डॉम की फैमिली भी फिर से एक साथ देखने को मिलेगी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है जब भी ये फैमिली एक साथ आती है तो क्या होता है। एंटरटेनमेंट। ट्रेलर देखने के बाद ये फीलिंग तो आई मुझे कि पूरी फिल्म बैडएस एक्शन से भरी होगी और 3 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर में ये तो दिखाई दिया कि किस लेवल का एक्शन और स्टंट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसको थिएटर में देखकर और भी मजा आएगा। ट्रेलर देखकर ये तो पता चल रहा है कि इस फिल्म सीरीज से जुड़े जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े एक्टर्स विन डीजल, जेसन मोमोआ, टायरेस गिब्सन, जॉन सीना, जेसन ऑप्शन 100 वाला जेसन और मुझे तो अपनी ब्रे लार्सन भी दिखी, मतलब अपनी कैप्टन मार्वल और पॉल वॉल्कर। अब आप सोच रहे होंगे इस बंदे की तो रियल में डेथ हो गई है, तो फिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, पॉल वॉल्कर की डेथ के बाद उनका फेस एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और उनका फ्लैशबैक कैमियो हमें देखने को मिलेगा। वो हमें एक छोटे से सीन के लिए दिखाए जाएंगे, लेकिन इतने सारे लोगों को देखने के बाद भी क्या आपने एक चीज नोटिस की? अरे अपने रॉक भैया भी तो होंगे ना। मुझे लगता है वो सरप्राइज होगा मूवी के लिए, जो लास्ट में हीरोइक एंट्री लेंगे और अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे एकदम बॉलीवुड स्टाइल में। फास्ट 5 में जो विलन था उसका बेटा होने वाला है अपना एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ, जो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए डॉम की फैमिली से भिड़ेगा और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में डॉम की डेथ हो सकती है। कंफर्म तो नहीं है बट शायद हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में ऐसा ही कहा जा रहा है। पहले बेटा कहता है कि मुझे डर है किसी अपने को खोने का, फिर बीवी कहती है कि शायद इस लड़ाई में हम में से कोई एक वापस न लौटे। तो आपका क्या ख्याल है, डॉम की डेथ होगी या उसकी वाइफ की? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ट्रेलर आपको कैसा लगा और मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।